हेलो दोस्तों, कैसे हो? बॉलीक्विक में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं खिचड़ी टू के प्रफुल्ल पारेख यानी कि राजीव मेहता जी। राजीव मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीक्विक के इस लाइव चैट में। थैंक यू सर। तो आपकी जो ये फिल्म है खिचड़ी टू, उसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होने जा रहा है। खिचड़ी जो 2002 में एक सीरियल के फॉर्म में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 2010 में उसकी फिल्म आई खिचड़ी और उसकी सफलता के बाद 2023 में आई खिचड़ी टू और इस दिवाली पर उसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होने जा रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि एक सीरियल थी, वो सीरियल से निकलकर इतनी हिट हो गई कि वो एक मूवी फ्रेंचाइजी बन गई? पहली बात तो ये कि दिवाली के अच्छे दिनों में जब फेस्टिवल जहाँ रहता है 3-4-5 दिन, तो फेस्टिवल दिनों में खिचड़ी इज अगेन यू नो फेस्टिवल फॉर यू नो लॉयल ऑडियंस ऑफ खिचड़ी, तो इट इज गोइंग टू एंटरटेन देम लाइक मैड। तो 3 नवंबर को जी सिनेमा पे दिखाने जा रहे हैं रात को 8 बजे। तो आई एम वेरी इवन माई सेल्फ आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो मैं भी देखी थी फिल्म, तो देखी ही थी, लेकिन अगेन आफ्टर लॉन्ग गैप आई एम गोइंग टू वॉच इट अगेन। तो सर, खिचड़ी ये 2002 में ये सीरियल आई थी, तो आप कैसे इस सीरियल का हिस्सा बने? उससे पहले भी एक गुजराती सीरियल आती थी सपना ना वावेतर, उसमें आप प्रमुख भूमिका में थे और वो काफी हिट हुई थी। उसके बाद हिंदी में वो एक महल हो सपनों का करके रिलीज हुई थी और वो भी हिट रही थी, उसके भी 1000 से भी ज्यादा एपिसोड रहे थे और उसके बाद तुरंत आप खिचड़ी में और खिचड़ी भी सुपर डुपर हिट हो गई। तो कैसे खिचड़ी का प्लानिंग हुआ और कैसे आप खिचड़ी का हिस्सा बने? खिचड़ी आशीष जेडी उन्होंने प्ले किया था, तो वो प्ले नॉट द स्टोरी ऑफ दैट प्ले, लेकिन जो कैरेक्टर्स प्ले के थे वो उठाकर उन्होंने ये शो बनाया खिचड़ी। स्टोरी और कहानी जो उस प्ले की वो नहीं, लेकिन उस प्ले में जो कैरेक्टर थे वो उठा के उन्होंने ये कॉमेडी शो बनाया एंड इट बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। ऐसा शो बना जो रेगुलर काइंड की कॉमेडी नहीं थी, बिल्कुल अलग प्रकार की कॉमेडी थी, बिल्कुल अलग तरह की कॉमेडी थी, जिसमें जो अहम किरदार है हंसा, प्रफुल्ल, बाबूजी, जयश्री, हिमांशु, ये लोग अटेम्प्ट नहीं करते कॉमेडी करने का। दे आर बैड पीपल, दे आर बिहेविंग एज पर देयर कैरेक्टराइजेशन, एज पर देयर कैरेक्टर्स, एंड दे आर नॉट वो लोग मुंह नहीं बनाते कॉमेडी हंसाने के लिए, मुंह नहीं बनाते, आवाज निकाल के कॉमेडी नहीं करते। जो भी एक है प्रकार, उसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं, उसका भी एक कॉमेडी की एक प्रकार है, ये तरह की भी इस तरह की भी एक कॉमेडी है, लेकिन खिचड़ी वॉज नॉट दैट। खिचड़ी फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ अ हेल्दी क्वालिटेटिव कॉमेडी। तो सर, आज के जमाने में जब कॉमेडी में अच्छी कॉमेडी खोजना बहुत ही डिफिकल्ट है, शैलेश लोढ़ा जी जो तारक मेहता में थे, उन्होंने भी काफी बार बोला है कि भाई आज के जमाने में जो कॉमेडी है वो ऐसी नहीं है कि जो फैमिली के साथ में बैठकर हर कोई एंजॉय कर सके। तो खिचड़ी एक ऐसी मूवी है जिसको पूरा फैमिली, छोटा बच्चा हो या बड़े बुजुर्ग हो, सब लोग साथ में बैठकर उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? खिचड़ी का फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत स्ट्रांग है। आप सोचो ना, एज यू नो इट वेरी वेल, 2002 में सबसे पहला शो बना, ये 2024 चल रहा है, 22 सालों के बाद भी खिचड़ी का गुडविल उतना ही स्ट्रांग है सर। 22 साल के बाद भी खिचड़ी ठंडी नहीं हुई है, खिचड़ी उतनी ही गर्म है, उतनी ही जायकेदार है खिचड़ी। खिचड़ी हैज अ वेरी स्ट्रांग गुडविल सर, उसमें तो देयर आर कोई दो राय नहीं है उसमें। आज भी खिचड़ी के जितने किरदार, वैसे मैं बेसिकली मैं थिएटर एक्टर, तो एक्टर हूँ, थिएटर का जो शो प्ले करता हूँ, तो मैं जैसे एंटर होता हूँ स्टेज पे, कहीं भी, यहाँ भी, बम्बई में, बारगांव,
फॉरेन में, तो मैं जैसे स्टेज पे एंटर होता हूँ तो मैं पहले लाइन शुरू नहीं कर सकता, अप्लॉज प्रफुल 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 यू नो, तो आई हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ सेकंड्स टू स्टार्ट माय डायलॉग। या ये है खिचड़ी। तो खिचड़ी के अंदर खिचड़ी वॉज ऑलवेज अ बेंचमार्क, खिचड़ी वॉज ऑलवेज अ बेंचमार्क। तो खिचड़ी के सारे कैरेक्टर लोगों को काफी पसंद आते हैं, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो लोगों को काफी पसंद आता है, जिस तरह से आप समझाते हो हर एक वर्ड का मीनिंग, और जिस तरह से बाबूजी आपको गधा कहते हैं, या और जिस तरह से बाबूजी आपको गधा कहते हैं, जो इक्वेशन है, जो इक्वेशन है उनका प्रफुल बाबूजी प्रफुल, ये जो इक्वेशन है they are complimenting each other, you know, they are complimenting each other, they is ye jo especially Hansa Prabhu, they are band of the first category, they are duffers, we are duffers of the first category, that too with utmost confidence. Yeah, ye jo color hai na, ye rare color hai comedy color which makes people laugh, you know. Yeah, और वो परफॉर्म करना भी आसान नहीं है, वो मुश्किल है परफॉर्म करना, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक दिस कैरेक्टर्स आर वर्किंग वेरी वेल यू नो इन खिचड़ी, एंड खिचड़ी शो आल्सो वर्क्ड वेल। या तो जब ये खिचड़ी 2 का शूटिंग हो रहा था, तो काफी सालों बाद आपका एक रीयूनियन जैसा रहा होगा, क्योंकि 2010 के बाद ये फिल्म बन रही थी, तो कैसा सेट पे आपका एक्सपीरियंस रहा था और क्या कुछ हो रहा था सेट पे? हाँ, कि एक तो पहली बात तो ये कि खिचड़ी का सेम फ्लेवर सेम एसेंस मेंटेन करना था, और करना ही पड़ा और करना ही जरूरी था, क्योंकि अदरवाइज इट वुड हैव फॉलन बैक। खिचड़ी की सेम यू नो एक जो फ्लेवर है उसकी, एक कॉमेडी की जो एक कॉमेडी का जो कलर है वो मेंटेन करना, वो सस्टेन करना करना ही था हमें, इन राइटिंग स्क्रिप्टिंग आल्सो बाय आशीष कपाड़िया एंड बाय अस आल्सो एज एक्टर्स। और वो हम के लिए वी वर अलर्ट अबाउट इट, वी वर ऑन आवर टोज कि ये लोगों को उतना ही पसंद आना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग ना बने, इंटरेस्टिंग ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वी थॉट टू इट की इसमें डबल रोल किया मैंने, तो ये दूसरा वाला जो रोल था वो तो कॉमेडी नहीं है, फिर भी कॉमेडी उसमें से निकलनी चाहिए। दैट ऑफकोर्स आतिश ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ इट एज अ राइटर, एंड आई ऑल्सो यू नो वाइल डबिंग थोड़ी सी अलग आवाज निकाल के यू नो आई डब दैट टाइम। तो शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा किस्सा खिचड़ी 2 के शूटिंग का जो आपको याद रहेगा, या ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहते हो खिचड़ी 2 के शूटिंग? वहाँ हमने धोरडो कच्छ जो व्हाइट डेजर्ट है वहाँ हमने शूट किया था, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सुबह 5 बजे वहाँ तो 4:30-5 बजे तो शाम को अंधेरा हो जाता है, हम सुबह 5 बजे से वहाँ पहुंच के मेकअप तैयार करके तैयार रहे थे, 6:30 को शुरू कर देते थे, विच वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस यू नो, सीन्स इंटरेस्टिंग थे ही, लेकिन यू नो वहाँ व्हाइट डेजर्ट में शूट पहली बार हमने तो किया मैंने, तो वहाँ इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एक डिफरेंट लोकेशन, एक डिफरेंट लुक था, तो वो एक मजा आया करना। राइट, तो खिचड़ी 3 का कोई प्लानिंग चल रहा है क्या? काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आई थिंक सो आतिश अंजलि दे आर प्लानिंग खिचड़ी पार्ट 3, एंड ओनली थिंग इज के ऑफकोर्स एज मेकर्स दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट, एंड दे आर ऑल्सो यू नो नो इट फॉर श्योर कि ये खिचड़ी पार्ट 3 अगर बने तो ये खिचड़ी पार्ट 1 एंड खिचड़ी पार्ट 2 दोनों से ऊपर रहना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, अदरवाइज उसका कुछ मजा नहीं है। बिकॉज एक्चुअली पीपल आर वेटिंग फॉर खिचड़ी पार्ट 3, यू नो कब बना रहे हो अभी, कभी आएगा पार्ट 3 कब आएगा, यू नो दे आर वेटिंग फॉर इट,
तो उन लोगों को उन लोगों की खरा उतरना, उन लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना बहुत जरूरी है। तो पार्ट थ्री दोनों पार्ट के ऊपर रहना चाहिए और होगा ही अगर तो है। राइट, तो आपका प्रफुल का जो कैरेक्टर है वो काफी फेमस है और लोग आपके कैरेक्टर को काफी पसंद करते हैं, तो आप पब्लिक में जब जाते हो तो कोई ऐसा किस्सा या कोई फैन का ऐसा रिएक्शन हो जो आपको अब तक याद हो? वो लोग आई डोंट ब्लेम देम, वो लोग बिल्कुल छोटा बच्चा जो जिसका जन्म भी नहीं हुआ था, खिचड़ी चल रही थी, अरे इसके साथ फोटो, आप गोद में लगे इसके साथ फोटो गिराओ ना, अरे उस बच्चे को देखा तो छोड़ो, उसने पता भी नहीं खिचड़ी क्या है। तो दे आर मैड, लोगों इतने इतने ब्लाइंडली मैड है खिचड़ी के पीछे, खिचड़ी शो एंड खिचड़ी के किरदार इतने हैं उसके पीछे, अरे वो करके वो जरा वो करके बाबूजी जब हम गता कहते आप जो ये वो करके दिखाओ ना, वो करके वो उस तरह अंसा को जैसे बोलते वो बोल के दिखाओ ना, अंसा वो करके बोलो ना, इस तरह के यू नो इस तरह का होते रहता है। तो आप हमारे भी लोग तो आप हमारे भी दर्शक के लिए आपका कोई फेमस डायलॉग बोल के सुनाओ जो आपकी खिचड़ी टूका हो। तीन तारीख को रात को 8 बजे खिचड़ी खिचड़ी टू, आप भी देखना पूछिएगा मत, बहुत मजा आएगा। तो राजीव जी, आपकी फिल्म खिचड़ी टू का जी सिनेमा के ऊपर वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है, तो उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? अब यही कि आप लोग तो जानते ही खिचड़ी कितनी इंटरेस्टिंग है, खिचड़ी कितनी टेस्टी है, कितनी जायकेदार है और खिचड़ी कितनी गर्म है। तो इस खिचड़ी को गर्म भी रखना आप प्लीज, यू नो फॉर श्योर कि खिचड़ी इज अ बेंच मार्क एज फार एज कॉमेडी इज कंसर्न। तो खिचड़ी देखना भूलना मत, जी सिनेमा पे 3 नवंबर को रात को 8 बजे। राजीव जी थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और मैं चाहूंगा आपकी ये जो फिल्म है खिचड़ी 2 उसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हो रहा है वो काफी सुपरहिट रहेगा और खिचड़ी 1 की तरह ही इसको भी काफी अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।